चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को बजट पेश करने की मंजूरी दे दी है। आम बजट अब 1 फरवरी को ही आएगा, लेकिन इसके साथ ही उसने शर्त रखी है कि इसमें 5 चुनावी राज्यों से जुड़ी किसी योजना का ऐलान नहीं किया जा सकता और न ही इन राज्यों में सरकार की उपलब्धियों का बखान होना चाहिए। चुनाव आयोग ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि सरकार इन 5 राज्यों में अपनी नीतियों और उपलब्धियों का बखान बजट भाषण में नहीं करेगी, क्योंकि ऐसा करने से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना पर असर पड़ेगा। आपको बता दें कि पंजाब, यूपी, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा राज्यों में 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच विधानसभा के चुनाव होने हैं। वहीं केंद्र की बीजेपी नीत सरकार 1 फरवरी को आम बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने आयोग से शिकायत की थी और बजट की तारीख आगे बढ़ाने की मांग कर रहे थे। इन दलों की दलील थी कि मतदान से पहले बजट भाषण से जनता पर सत्ताधारी दल असर डालने की कोशिश करेगा, लिहाजा वामपंथी समाजवादी जनता दल सहित 13 विपक्षी दलों ने कांग्रेस की अगुवाई में चुनाव आयोग से मांग की थी कि वो मोदी सरकार को 11 मार्च के बाद बजट पेश करने को कहे। लेकिन चुनाव आयोग ने सरकार को बजट पेश करने से तो नहीं रोका, लेकिन विपक्ष की चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार को हिदायत जरूर दी है। तो चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार को स्पष्ट कर दिया है कि बजट की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया जा रहा, लेकिन केंद्र सरकार भी लोक लुभावन घोषणाओं से बचे। इससे पहले कल सुप्रीम कोर्ट ने भी बजट की तारीख में बदलाव की मांग करने की याचिका को खारिज कर दिया था। देखते रहिए डीबी लाइव।